तो हम लोग आज जाएंगे अपने सोसाइटी के नीचे, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ पे खेलने का जगह। बच्चों का बहुत बड़ा जगह है खेलने का, बच्चे लड़की लड़के सब खेलते हैं। तो मेरा बाबू भी वहाँ पे जाके खेलता है, रोनी है ना, रोनी खेलते हो ना। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे बैठेंगे, बाबू हर बच्चे के साथ में खेलेगा, सब बच्चे के साथ में। तो बच्चों को तो हर बच्चों के साथ में खेलने देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर वो अकेले, उनको मन कैसे लगेगा। तो हम लोग चलते हैं नीचे, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं। तो हम चले नीचे, तो अभी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं और बाबू भी बहुत एक्साइटेड है नीचे जाने के लिए। हर शाम में, हर रोज़ वो नीचे जाके खेलने के लिए जाता है बच्चों के साथ में, क्योंकि दिन भर तो वो अकेले रहता है, मेरे साथ में खेलते रहता है। तो शाम में इसको तैयार करके हम नीचे लेके जाते हैं, है ना रोनी। मम्मा कितनी अच्छी है ना, नीचे लेके जाती है घूमने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं बाबू कैसे जा रहा है। चलो चलो, ये देख सकते हैं मेरे सोसाइटी के नीचे है कितना, मतलब बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए बच्चों के लिए, कितना सारा बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लड़के लड़की सब खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं। तो मेरा बाबू को भी खेलने का मन रहता है। रोनी उधर नहीं जाना, दुकाने हैं और वो हमारी सोसाइटी है। तो
हम आ गए हैं रूम में। बाबू खेल लिया, थक गया, वो सो गया। अच्छा अब देख सकते हैं उसको हम सुला दिए हैं, तो वो नीचे में ही सो गया था गोदी में। तो हम अभी रूम में आ गए हैं, और रूम में आके अभी यहाँ पे शाम हुआ है, लगभग 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे लेट से शाम भी होता है और सुबह भी होता है। तो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो।